अगर आप दीघा आ रहे हैं और आपको होटल का चार्जेस वगैरह का इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए ये वीडियो। हम लोग लूची, यहाँ पे फेमस है लूची सब्जी खा रहे हैं, दिखाते हैं आपको थोड़ा। क्या चार्जेस होगा भैया इसका?
चलते रहते चलते रहते। अब इतना सा रोड है जाम तो लगेगा। बहुत धूप लग रही है अभी। धूप बहुत तेज है तो वीडियो अच्छा बन रहा है। ऐसा तो रास्ता
इधर ताजपुर में ऐसा कब हो गया है? आगे जानते हैं वहां तक पानी था, अभी यहाँ कैसे आ रहा है इतना पानी? साला ये सब ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में हो रहा है, ये सब अटलांटिक वगैरह सब गए। अभी कहाँ जाना है हमें? हाँ कहाँ जाना है? यही है ताजपुर, लेकिन सब बैरिकेड लगा दिया है एकदम। तो मस्त बीच साइड है। हाँ अरे पूरा पानी भर गया, आगे ऐसा नहीं था, पूरा तो वहां पर पानी था। पता नहीं, चल आगे चल देखते हैं कुछ, नहीं तो पीछे में तो कुछ पता था, पता नहीं, पता नहीं। फिलहाल हम लोग हैं ताजपुर में। पहले जब मैं यहाँ आया था तब कुछ ज़्यादा पानी का थोड़ा पानी बहुत नीचे था तब, और अभी बहुत ऊपर चढ़ गया मैं। तो इससे पता चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग किस कदर इफेक्ट कर रहा है। आगे का पिक्स तो नहीं है मेरे पास अभी ताजपुर का, कुछ करीब 6 साल पहले आया था तब पानी का जो लेवल था बहुत नीचे था, करीब इस टाइम पे बहुत नीचे था। लेकिन अभी बैरिकेड के परे कि आगे ये बैरिकेड वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं था, और अभी सब बैरिकेड लग गया है, यहाँ पर थोड़ा काम भी चल रहा है। तो इससे पता चल रहा है पानी का लेवल कितना ऊपर तक जो है आ रहा है। तो ये जरूर ग्लोबल वार्मिंग का असर है। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग जितना हो सके पेड़ लगाइए, कोशिश कीजिए कि जितना हो सके पेड़ लगाइए, उससे शायद कुछ हद तक हो सके ठीक। हर कोई अगर एक करके पेड़ लगाए तो हम लोग का जो पॉपुलेशन है तो समझ लीजिए कितना पेड़ एक दिन में लग सकता है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो कम से कम महीने में एक पेड़ जरूर लगाए, कहीं भी आपके घर के पीछे, गार्डन, कहीं भी रोड में, जहाँ पॉसिबल हो सके आप। तो यही मैसेज था कि शायद कुछ हद तक इससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके।